अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें और हिफाजती तदाबीर का सख्ती से इतला करें। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है क्लास टेंथ के लिए चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम और इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसकी हमने दो टाइप्स पढ़नी है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो कि आज का भी टॉपिक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। केमिकल इक्विलिब्रियम की भी दो टाइप्स होती हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये हम एग्जांपल से बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में और फिर लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ने के बाद उसकी इक्वेशन ड्राइव करने के बाद फिर हम दो तीन एग्जांपल्स लेंगे। जनरल पहले हम जनरल इसकी डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम दो तीन स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे और एग्जांपल्स से हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। उसके बाद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम यूनिट्स ड्राइव करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन क्या है और एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन क्या है। ओके, सो बेसिकली व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, वी विल लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शन, इट्स टाइप रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप, डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। वी विल स्टडी अबाउट लॉ ऑफ मास एक्शन एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टेंट, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट में हम स्टडी करेंगे डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, दैट हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन और हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन बाय यूजिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन और उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, हम ये स्टडी करेंगे। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। So what is chemical equilibrium? Chemical equilibrium is a reaction in which reactants react together to give products by physical and chemical means. के जो हम reactants लेते हैं, अब reactants और products क्या होते हैं मैं ये भी explain करूँगी। तो ऐसा reaction जिसमें reactants तबई और कीमियाई तब्दीलियों के ज़रिए से products में तब्दील होते हैं या products बनाते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली रिएक्टेंट्स, फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स आर R1 एंड R2, रिएक्टेंट्स रिएक्ट और कंबाइन टुगेदर टू गिव प्रोडक्ट्स P1 प्लस P2। ओके, इट इज अ केमिकल रिएक्शन। एंड व्हाट आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स आर दो स्पीशीज विच रिएक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन टू गिव द प्रोडक्ट्स। वो अशिया जो किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिएक्ट करती हैं, जिन चीज़ों का केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन होना है, जिन्होंने आपस में मिलना है कि वो हमें एक यूजफुल प्रोडक्ट दे सकें, उन चीज़ों को, उन अशिया को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर दो स्पीशीज विच रिएक्ट टूगेदर, विच कंबाइन टूगेदर टू गिव प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ओके, एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स आर दो स्पीशीज विच आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में मिलती हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं और उनके मिलने से जो चीज़ बनती है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, यानी जो हमारी केमिकल रिएक्शन की इनपुट है वो रिएक्टेंट्स है और जो हमारी आउटपुट होगी वो प्रोडक्ट्स होंगी। ओके, दो species which react together in a chemical reaction are called as reactants and those species which are formed as a result of a chemical reaction or as a result of the combination of reactants are called as products. And what is chemical reaction? As I explained earlier, chemical reaction is a reaction in which reactants give products by physical or chemical means. Okay, for example, केमिकल मीन क्या, अगर हम डीकम्पोजिशन करते हैं वाटर की, डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर इज अ केमिकल प्रोसेस जिसमें के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस बनती हैं। ओके, लिक्विड वाटर से हम क्या हासिल कर लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस। तो इसमें जो वाटर है वो रिएक्टेंट है, वाटर इज अ रिएक्टेंट एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर
प्रोडक्ट्स, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस आर प्रोडक्ट्स, ओके। इसी तरह अगर हम आइस को हीट करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये फिजिकल मीन्स के जरिए से हो गया है, बॉयल करने से, उसको फ्रीज करने से, या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होते हैं, फिल्ट्रेशन होते हैं, ये फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, ओके। और रिएक्टेंट जिसका आप एग्जाम्पल लें, तो इसी में हमने क्या स्टडी किया है कि वाटर क्या है, रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस क्या है, प्रोडक्ट्स है, ओके। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हम कंबाइन करें, और इसके लिए हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं प्लैटिनम कैटलिस्ट, ओके। प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कंबाइन होती हैं, और इसके नतीजे में वो बना देती हैं वाटर। तो इसमें क्या हुआ, रिएक्टेंट्स कौन से हैं, R1+R2, दो हाँ रिएक्टेंट्स है हमारे पास, और उसके नतीजे में हमें प्रोडक्ट मिल रही है जो कि वाटर है। इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि उसमें एक एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है, और उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बन जाते हैं। तो इसमें जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो रिएक्टेंट्स हैं, और जो आपके पास साल्ट बनता है और वाटर बनता है वो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रिएक्टेंट्स क्या होंगे और प्रोडक्ट्स क्या होंगे। एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स मिलकर फिजिकल या केमिकल मींस के जरिए से प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब रिएक्टेंट्स क्या है, जो चीज़ें रिएक्शन में आपस में कंबाइन होती हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और उनके कंबाइन होने से जो चीज़ बनती है उसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट, ओके। इसके लिए एग्जांपल हमने देखी है कि वाटर की अगर डिकम्पोजिशन करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में कंबाइन होती हैं, और कंबाइन होने से वो बना देती हैं वाटर। तो इसमें वाटर प्रोडक्ट है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस रिएक्टेंट्स हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात की जाए तो उसमें एसिड जो है वो बेस के साथ कंबाइन करता है, और उससे बन जाता है सोडियम क्लोराइड और वाटर, या फिर साल्ट और वाटर। तो इसमें जो एसिड और बेस होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, और साल्ट और वाटर इस पे प्रोडक्ट्स होते हैं, ओके। यहाँ तक समझ आ गई है। अब हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में, तो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, मिलते हैं, और उसके नतीजे में वो प्रोडक्ट बना देते हैं। ये हो गया केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्स का मतलब क्या होता है, बैक आना, ऐसे ही है ना, रिवर्स हम किसे बोलते हैं, बैक जाना, किसी भी चीज़ का बैक जाना, गाड़ी रिवर्स करो तो हम बोलते हैं कि बैक आओ। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगा, जो कि बैक भी आ सकता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब आपस में मिलते हैं तो आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो इनके मिलने से बन जाती है अमोनिया गैस 2NH2। अब इसमें जो अमोनिया गैस है वो प्रोडक्ट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। इस रिएक्शन को जिसमें के रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर 2NH3 अगर हम अमोनिया को डीकम्पोज कर लें तो ये डीकम्पोज होके दे देगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसेस, तो ये रिवर्स रिएक्शन हो गया है, वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या है आपके पास, फॉरवर्ड रिएक्शन। और जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं दोबारा से, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन, ओके। तो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से रिएक्शन होंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन वो होंगे जो के फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होंगे और रिवर्स या बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होंगे। द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, इज कॉल्ड फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा मिलके रिएक्टेंट्स बनाते हैं उसे हम रिवर्स रिएक्शन बोलते हैं,
के अब इसमें फॉरवर्ड भी आ जाता है, रिवर्स भी आ जाता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टर्स बनाएंगे, तो प्रोडक्ट्स ने मिलना कब है, जब पहले रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। ओके, तो पहले रिएक्टेंट्स से मिलके प्रोडक्ट्स बनाया है, अब प्रोडक्ट्स जो है वो क्या करेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे और रिएक्टेंट्स बना लेंगे। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो, यानी रिएक्टेंट्स मिलके, ये क्या है, जिसमें रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते हैं उसे हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, तो रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस हैं, विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, और इनको हम ऐसे 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 दोनों को अलग-अलग लिखने की बजाय हम लिख देते हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिएक्ट टुगेदर टू गिव अमोनिया गैस, और इसको हम दो तीर से डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। डबल एरो मतलब कि एक एरो हम इस साइड पे लगाते हैं और एक एरो हम इस साइड पे लगाते हैं। तो ये जाहिर करता है, ये जो एरो उधर को जा रहा है इसका मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, और जो एरो इधर को आ रहा है इसका मतलब ये रिवर्स रिएक्शन होगा। ओके, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कम्प्लीट नहीं होते हैं। रिएक्शन कब कम्प्लीट होता है, जब हमें कोई यूजफुल प्रोडक्ट मिल जाती है। लेकिन इनमें क्या होता है कि रिएक्टर जो है वो मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और उसी टाइम प्रोडक्ट्स मिलके रिएक्टर्स बनाते रहते हैं, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होता है, रिवर्स रिएक्शन भी। तो इस तरह से उनके दरमियान में एक इक्विलिब्रियम सा आ जाता है कि रिएक्टर्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन ये रिएक्शन कम्प्लीट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन वो कम्प्लीट, हम उस रिएक्शन को कम्प्लीट बोलेंगे जिसमें रिएक्टर्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट्स हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट को यूजफुल प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स, तो इस वजह से ये रिएक्शंस कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, दे नेवर गो टू कंप्लीशन, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो, दे टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रिवर्स डायरेक्शन। आगे समझ आ। उसके बाद है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल जैसे हम बोलते हैं ना, लाइक और डिसलाइक, लाइक में पसंद करना और डिसलाइक में नापसंद करना, इसी तरह रिवर्स में बैक जाना और इरिवर्स में बैक ना जाना। ओके, तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो होंगे विच टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। किस डायरेक्शन में होते हैं, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ओके, तो ये जो है ये रिवर्स नहीं हो सकते हैं। जैसे अगर पानी जो है ऊंचाई से गहराई में आ जाए, तो क्या वो जिस तरह ऊंचाई से गहराई में आया है इसी तरह गहराई से ऊंचाई में खुद ब खुद जा सकता है, नहीं जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई एफर्ट करना पड़ेगी। तो वो रिएक्शन जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं और खुद ब खुद वो रिवर्स नहीं हो सकते, उन्हें हम इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी, irreversible reactions are those which take place only in one direction. These are represented by single-headed arrow or single arrow, and they always go to completion. और क्योंकि वो reverse नहीं आते हैं ना, तो इस वजह से forward reaction ही उनमें होता है, forward direction में ही proceed करते हैं, they proceed in forward direction, that's why they always go to completion and we get the products. Okay? उसके बाद हम एक example पढ़ते हैं जो book में दी गई है कि जब हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैसेस मिलती हैं तो यहाँ से बन जाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। द कलर ऑफ हाइड्रोजन इज कलरलेस, और यू कैन से दैट हाइड्रोजन इज कलरलेस, आयोडीन इज पर्पल कलर्ड गैस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज अगेन कलरलेस। सो अगर हम एक फ्लास्क लेते हैं और उस फ्लास्क में हम हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस को डालते हैं और इनको हीट कर देते हैं, और ये फ्लास्क हम बंद फ्लास्क लेंगे, क्लोज्ड फ्लास्क। ओके, तो पहले जो कलर है वो पर्पल होगा, किसकी वजह से, रिएक्टेंट्स में आयोडीन प्रेजेंट है, आयोडीन इज अ पर्पल कलर, सो द कलर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर विल बी पर्पल। व्हेन दीज गैसेस आर हीटेड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म्ड, और इनके नतीजे में क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। And when hydrogen iodide is formed, then the color of reaction mixture becomes
फेड, तो उसका कलर जो है जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता रहता है कलर उनका फेड होता रहता है। और जब हाइड्रोजन आयोडाइड मुकम्मल तौर पे बन जाता है, जब रिएक्शन हो जाता है, तो हाइड्रोजन रिएक्शन में से कलर बिल्कुल कलरलेस हो जाता है। तो ये जो कलर में चेंजेस है, इनकी वजह से हम केमिकल रिएक्शन में चेंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं कौन कौन से चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको नहीं पता कि हमने इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड बना है या नहीं बना, तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कलर चेंज से? आप जब रिएक्शन नहीं हुआ होगा तो इसका कलर रिएक्शन मिश्रण का क्या होगा? पर्पल कलर। रिएक्शन मिश्रण विल बी ऑफ पर्पल कलर, एंड व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड इज फॉर्म, देन द कलर विल बी, देयर विल बी नो कलर। तो हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस है, इस वजह से रिएक्शन मिश्रण भी कलरलेस होगा। और ये जो कलर का चेंज है, इस कलर के चेंज से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, तो दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाए, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को निकालते जाएं, किस तरह हम हाइड्रोजन आयोडाइड को स्टोर कर लें, या फिर यहाँ से हम हाइड्रोजन आयोडाइड को बाहर निकालते जाएं, यूज करते जाएं, तो फिर तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को बाहर ना निकालें, तो हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम अगेन गर्म करें, अगर हम क्या करें हाइड्रोजन आयोडाइड को, अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करें, तो हीट करने से हाइड्रोजन आयोडाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस में। ओके, तो अब पहले जब हाइड्रोजन आयोडाइड में अगर हम ये रिएक्टेंट होगा ना, फिर जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करना शुरू करेंगे, या प्रोडक्ट ही क्या है, जब हम प्रोडक्ट को हीट करना शुरू करेंगे, जब प्रोडक्ट को हीट करना शुरू करेंगे तो प्रोडक्ट का कलर क्या है? कलरलेस। और उसके बाद जब आयोडीन और हाइड्रोजन गैसेस बनेंगी, तो आयोडीन का कलर क्या होगा? पर्पल। तो फिर पर्पल कलर आना शुरू हो जाएगा। पहले ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है जिसमें रिएक्टेंट से मिलके प्रोडक्ट बनाए हैं, और उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट को हीट करें, तो हीट करने के बाद जो हाइड्रोजन और आयोडीन गैसेस बननी है, उनमें से आयोडीन का कलर क्या है? पर्पल। तो उसके पर्पल कलर की वजह से जो रिएक्शन है, उसका कलर भी पर्पल हो जाएगा। तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड का बनना। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, एंड द डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड की अगर हम डीकंपोजिशन कर दें इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो अगर हम इसकी डीकंपोजिशन करें, तो फिर वो क्या हो जाएंगे? रिवर्स रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स गिव बैक द रिएक्टेंट्स। ओके, तो ये होगा रिवर्स रिएक्शन, और ये होगा फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और रिवर्स डायरेक्शन में भी, कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। इनको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओवरऑल आप इसका अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखें, तो आप क्या लिखेंगे? H2+I2 एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, और इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगे। और फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। रिवर्स कौन सा होता है? जिसमें प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने क्या पढ़ा है? हमने पहले आउटलाइंस पढ़ी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने आज डिस्कस किया है केमिकल इक्विलिब्रियम को, कि व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। देन we discussed about reversible and irreversible reactions, we discussed about forward and reverse reaction with examples. Okay, और next हम लोग इंशाल्लाह forward और reverse direction को ही reaction को ही continue करते हुए हम calcium carbonate की एक example के जरिए से next lecture अपना start करेंगे। Thank you and have a nice day. Dua mein yaad rakhiye।